ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚ ਆਂ ਸਟਿਲ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜਸ ਆਏ, ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਹਿੰਦੀ। सो बेसिकली ये व्लॉग हम हिंदी में इसलिए बना रहे हैं बिकॉज एवरी वन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड पंजाबी। सो हिंदी में इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी को समझ आ जाए और इजिली सबको हेल्प कर सकें। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी आफ्टर आर फर्स्ट वीडियो कि आपने ट्रेवल कैसे किया और आपको क्या क्वेश्चंस पूछे इमिग्रेशन ने। सो दिस इज द वीडियो फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी ट्रेवल करना है। सो अभी भी हम स्टिल क्वारंटीन में हैं और ये हमारा 11th डे है। सून हमारा क्वारंटीन फिनिश हो जाएगा, तो हमने सोचा कि इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होना चाहिए फॉर दोस जिन्होंने अभी ट्रेवल करना है, बिकॉज हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एयर कैनेडा ने भी फ्लाइट्स अपनी बैन कर दी है टिल 31st ऑफ जुलाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि कैसे हमने ट्रेवल करा एंड क्या खर्चा हुआ और कौन सा रूट था और कैसे हमने सब कुछ मैनेज किया। सो ही विल एक्सप्लेन नाउ। सो फर्स्टली हमने स्टार्ट किया इंटरनेट के ऊपर सर्च करना कि कौन सा रूट ओपन है और कौन सा नहीं है। तो उससे हमें पता चला कि इथोपिया इज द अवेलेबल रूट बिकॉज इथोपिया में किसी को भी वहां पे क्वारंटीन नहीं करना और ना ही वहां पे कोई ऑन अराइवल टेस्ट हो रहा है। पहले हमने इथोपिया का ई वीजा अप्लाई किया इथोपिया की वेबसाइट पे, और उनकी वेबसाइट पे एक चीज दी हुई है कि वहां पे कुछ फेक वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर अगर आप वीजा अप्लाई करोगे तो वहां पे एक तो चार्जेस ज्यादा है प्लस उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है। तो हमने सबसे पहले इथोपिया का ई वीजा अप्लाई किया जो कि हमारा 3 घंटे में आ गया एंड इट कॉस्टेड अस 3600 पर पर्सन। सो बी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग फॉर दैट। और उसके बाद हमने अपनी टिकट्स बुक की फ्रॉम दिल्ली टू एडिस अबाबा वाया दोहा, बट दोहा में 14 आवर्स का लेओवर था। तो हमने फ्लाइट सर्च की बिजनेस क्लास तो सो दैट हम वहाँ पे बिजनेस क्लास लॉन्च में रुक सकें। तो लकीली उस दिन क्या हुआ कि इकोनॉमी की फ्लाइट्स बिजनेस क्लास की फ्लाइट से महंगी थी। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी सॉ दिस थिंग। सो हमने बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक की एंड वी ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू इथोपिया वाया दोहा। दोहा में हमने 14 घंटे स्टे की और उससे पहले हमें दिल्ली इमिग्रेशन पे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि आप कहाँ क्यों जा रहे हो इथोपिया या क्या। बस उन्होंने जब हमसे पूछा कि आप इथोपिया क्यों जा रहे हो तो हमने सिर्फ इतना बताया कि हम कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनको हमने आगे की टिकट्स दिखाई तो उन्होंने हमसे कोई रिटर्न टिकट के बारे में नहीं पूछा। सो हम दिल्ली से दोहा के लिए जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसके लिए बैठे और हम अराउंड 3.5 आवर्स में दोहा पहुंच गए और हमने वहां पे एक्सप्लोर किया देयर बिजनेस क्लास लाउंज। दैट वॉज सो प्रिटी। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया रिगार्डिंग दैट, सो यू कैन गो एंड हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। और वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था, प्रिपरेशंस वर सो गुड, फूड बहुत अच्छा था, उनके क्वाइट रूम्स थे जो रेस्ट के लिए यूज कर सकते थे बेसिकली। सो हमने वहाँ पे अपना तीनों टाइम का ब्रेकफास्ट लंच डिनर करा, दैट वाज सो गुड। और देन आफ्टर 14 आवर्स स्पेंडिंग इन दैट लाउंज हम अपनी अगली फ्लाइट के लिए बोर्डिंग के लिए हम गए एंड हमने बोर्ड करा दोहा टू एडिस अबाबा। सो हम इथोपिया पहुंचे रात को अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे और वहां पे इमिग्रेशन में कोई भी इतना लाइनअप नहीं था बिकॉज हम बिजनेस क्लास में थे, उसके पीछे हमारे बहुत रश था। तो जैसे ही हम वहाँ पे इमिग्रेशन पे गए उन्होंने एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं हमसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या करने आए हो या वट एवर इज देयर रीजन। तो इमिग्रेशन क्रॉस की, बाहर निकले, बैग लेने में दिक्कत हुई बिकॉज वहाँ पे क्योस बहुत ज्यादा था, बट आफ्टर टेकिंग बैग्स तो हम बाहर निकले। स्काई लाइट होटल हमने बुक किया हुआ था तो वहाँ पे हमें होटल शटल मिल गई, वहाँ पे ड्राइवर वाज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर अस। तो उसने हमें हमारे लगेज पिक किए, हमें गाड़ी में बिठाया और सीधा ले गया वहां से कोविड टेस्ट के लिए। और रात को अप्रोक्सीमेट 2 बजे एट उदासी लैब समथिंग वहां पे जाके हमने अपना कोविड टेस्ट करवाया एंड उसके बाद हमने 3 बजे जाके रात को वहां पे होटल में चेक इन किया। सो वी स्पेंट नाइट ओवर देयर एंड सुबह हमें अप्रोक्सीमेट 11 बजे वहां से
उदासी लैब में से हमें कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मिल गई विच वॉज नेगेटिव। या एक और बात मुझे याद है, बहुत सारे लोगों ने हमें ये कमेंट करके पूछा था कि ये जो इथोपिया का रूट है, इथोपिया शहर, वो सेफ है फॉर गर्ल्स। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग सिर्फ डरा रहे हैं। दैट कंट्री वॉज सो सेफ इवन फॉर गर्ल्स। अगर किसी गर्ल्स ने ट्रेवल करना है इन अ ग्रुप, और वो दो चार गर्ल्स का ग्रुप है, तो दे कैन ट्रेवल एज वेल। वहाँ पे ऐसा हमें कुछ इशू नहीं था। इवन हम रात के 2-2:30 बजे वहाँ पे थे, और ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन पुलिस वॉज देयर एट नाइट ऑल्सो। ऐसे कि इन्होंने बताया कि हमें 11 बजे रिपोर्ट्स मिल गई, और लकीली वी वर नेगेटिव। एंड देन हमने रिपोर्ट्स ली, और हम ड्राइवर के साथ होटल शटल में ही वापस आ गए होटल में। देन उसके बाद हमने वहाँ पे लंच किया, और हम सीधा निकले 4 बजे निकले वहाँ से एयरपोर्ट के लिए। बिकॉज हमने सुना था कि वहाँ पे कुछ पेपर स्कैनिंग के लिए टाइम लेते हैं, या वहाँ पे पहले पहुँचो, तो हम भी उसी तरह हम भी वहाँ पे 4 बजे पहुँच गए। और हमारी फ्लाइट थी रात के 10 बजे 10:45 पे। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमारे साथ और भी कई इंडियंस वहाँ पे हमें मिले, जो कि स्टूडेंट्स थे, कुछ पीआर थे, कुछ वर्क परमिट पे थे। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने चेक इन अभी स्टार्ट नहीं किया था, तो वो हमें बोल रहे थे कि आप वेट करो। तो 5 बजे के अप्रॉक्सीमेट उन्होंने हमारा चेक इन स्टार्ट किया सभी का। तो जब उन्होंने चेक इन स्टार्ट किया तो उसमें कोई इतना खास टाइम नहीं लग रहा था स्टूडेंट्स के। वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, जैसे एनरोलमेंट लेटर और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और बस यही दो डॉक्यूमेंट्स मेनली, और उसके बाद वो उनको जाने दे रहे थे। वर्क परमिट्स का हमें कोई ऐसा मिला नहीं जिसके पास वर्क परमिट था, तो मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। फॉर पीआर एंड सिटीजन्स वो उनका सिर्फ पीआर कार्ड देख रहे थे, दैट्स इट। और विजिटर्स के लिए उन्होंने सिर्फ हमारे से हमारा ट्रैवल एग्जम्पशन लेटर देखा, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के डॉक्यूमेंट्स देखे, और उसमें थोड़ी हैसल हुई हमें, बिकॉज विजिटर का केस उनके पास फर्स्ट टाइम आया था। तो इट टुक अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स टू अस टू गेट बोर्डिंग पास, क्योंकि वहाँ पे जो उनका सुपरवाइजर था उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट स्कैन किए, उसके बाद वो कनाडा भेजे, वहाँ से वेरीफाई किया। जब वहाँ से वेरिफिकेशन हो गई उसके बाद उन्होंने हमें बोर्डिंग पास इशू किया। देन हमने इमिग्रेशन क्रॉस की अगेन एडिस अबाबा इमिग्रेशन पे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना कुछ डॉक्यूमेंट देखा, बस उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया, आउट की स्टैंप लगाई, दैट्स इट। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा अगेन, उसके बाद हम बाहर निकले, दोबारा से फिर हमारा वही सिक्योरिटी चेक इन हुआ, दो बारी वहाँ पे हुआ एक्चुअली, और वही सारा कुछ अपना, इवन की शूज भी रिमूव करवा रहे थे वो। देन टर्बन्स वालों के लिए टर्बन्स दबा दबा के चेक कर रहे, उन्होंने जस्ट हमें फ्लाइट बोर्ड करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे हम पहुँचे तो सभी वहीं पे खड़े थे, तो हमने वहाँ से फ्लाइट बोर्ड की रात को। एंड इट वॉज अ गुड 16 आवर फ्लाइट, जो कि सिर्फ एक डबलिन में रुकती है फॉर अ रीफ्यूलिंग, और दैट टुक अराउंड 1 आवर। तो 1 घंटे के बाद वहाँ से हम डबलिन से निकले टिल टोरंटो के लिए, विच वॉज अगेन 7.5 आवर्स फ्लाइट। सो टोटल इथोपिया फ्रॉम एडिस अबाबा टू टोरंटो इट वॉज अ 16 आवर्स फ्लाइट। तो टोरंटो पहुँच के लिए वो एंट्री पे चेक कर रहे थे, अराइव करना आपका फेल हुआ है कि नहीं हुआ। देन फर्स्ट चेकिंग पे वही देख रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, उन्होंने कुछ दो फॉर्म्स दिए थे फिल करने के लिए, और दो फॉर्म्स चेक करने के बाद वो आपको अराइव कैन चेक करते हैं, देन आप आगे जा सकते हो। आगे जाके आप की बुकिंग भी चेक करते हैं, हाँ, होटल की बुकिंग स्पेशली। देन उसके बाद आप जाते हो इमिग्रेशन पे, तो डेफिनेटली इमिग्रेशन विल आस्क यू फॉर योर पर्पस फॉर कमिंग टू कैनेडा, एंड विल श्योरली चेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर पर्पस कमिंग टू इन टोरंटो। एंड उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टडी परमिट मिलेगा, वर्क करो तो आपको एंट्री मिल जाएगी। हमारे केस में उन्होंने हमारे ट्रैवल एग्जेम्पशन लेटर लिया, प्लस उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे हमारी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कितनी देर के लिए आए हो। इन्होंने रिटर्न टिकट बेसिकली पूछी नहीं हमसे कैनेडा टू इंडिया, बट मेरे पास ऑलरेडी थी वो, और देन यस, उसके बाद यू आर गुड टू गो। बाहर आके हमने अपने लगेज लिए, वहाँ पे एक वेटिंग एरिया है जहाँ पे वो आपको वेट करने के लिए बोलते हैं। जब भी कोई होटल की शटल बस आती है तो वो उसका नाम अनाउंस करते हैं होटल का, देन आप उसको बोर्ड करके आप अपने सीधे होटल में आके क्वारंटीन हो सकते हो। और आफ्टर गेटिंग क्वारंटीन 8th डे के ऊपर आपको दोबारा से आपका कोविड टेस्ट होता है ऑनलाइन,
तो उसके देने के बाद, जो कि अभी हमारा हो चुका है, तो उसको देने के बाद जब वो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो आफ्टर 14 डेज यू आर गुड टू गो। बट येस, यू हैव टू स्टे 14 डेज। अगर आपका 8th डे के बाद भी नेगेटिव टेस्ट आ जाता है, अगेन यू हैव टू स्टे फॉर लाइक कंप्लीट योर 14 डेज, इवन इफ यू आर नेगेटिव। सो ये कुछ समझ नहीं आया, बट या आपको रुकना पड़ेगा एंड उसके बाद आप जा सकते हो। बेसिकली मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी जो वीडियो के ऊपर आए हुए हैं, तो उसमें से कुछ लोगों ने पूछा है कि एडिस अबाबा के ऊपर आपको क्वेश्चन क्या पूछा, लाइक इमिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है। सो बेसिकली वही जो मैंने पहले बताया कि वहाँ पे आपको कोई भी कुछ नहीं पूछेगा कि आप क्यों आ रहे हो, बिकॉज एवरीवन न्यू कि आपके पास कनाडा का वीज़ा है, आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो। बिकॉज अभी तो मोस्टली बहुत सारे इंडियंस वहाँ से ट्रैवल कर चुके हैं, सो दे ऑलरेडी नो द प्रोसेस। एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि वट वॉज योर एक्सपेंसिस। सो हमारे केस में इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1.9 फॉर ईच पर्सन। इट कैन बी लेस इफ यू टेक इकोनॉमी क्लास, बिकॉज उस टाइम पे इकोनॉमी अवेलेबल नहीं थी, सो वी टुक बिजनेस क्लास। सो इट वॉज 1.9 इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन इंडियन रुपीज, इंक्लूडिंग एवरीथिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू टोरंटो। एंड उसके बाद किसी ने पूछा था कि इथोपिया का वीज़ा लेना ज़रूरी है। सो यस, इथोपिया का वीज़ा लेना ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट दैट यू विल नॉट गेट एनी एंट्री। मैंने सुना है कि वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा भी मिलता है, बट इथोपिया का ये वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है जो कि 3 घंटे में आ जाता है। सो बेटर कि आप वीज़ा लेके ही जाओ रैदर देन एनी रिस्क। यस, इथोपिया में हमें रिटर्न टिकट के लिए पूछा था बिकॉज वी वर विजिटर्स, बट विजिट वर्कर्स और स्टूडेंट्स को और PR को आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क, बिकॉज दे आर गोइंग बैक टू देयर कंट्री और फ्यू ऑफ देम आर गोइंग टू स्टडी और गोइंग फॉर वर्क। सो हम विजिटर्स हैं इसलिए हमें पूछा था और हमारे पास रिटर्न टिकट अवेलेबल थी। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि ऑथराइजेशन लेटर आपने कहाँ से ली। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो कैसे अप्लाई होती है वो सारा कुछ CIC की वेबसाइट के ऊपर है। सो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि ऑथराइजेशन कैसे अप्लाई होती है। मेरे केस में हमें 3 दिन में मिल गई थी। कि इसके अलावा जो भी हमने होटल बुकिंग की है, हमने फ्लाइट की बुकिंग की है, जो भी दिल्ली से इथोपिया, इथोपिया से टोरंटो और जो भी हमने होटल स्टे किया, उस सभी के लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। इवन इथोपिया ई वीज़ा अप्लाई करने का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, सो दैट आप किसी फ्रॉड वेबसाइट पे पैसे खराब ना कर दो। और एक और सजेशन है कि अगर आपको हो सकता है तो सारा कुछ अपने आप कर कीजिए रेदर देन कोई एजेंट को बीच में डालने से। बिकॉज एयरपोर्ट पे हमने ये ऑब्जर्व करा कि जिन्होंने एजेंट्स के थ्रू बुक करी थी उनको बहुत दिक्कत आ रही थी, उनको कॉल करना पड़ रहा था अपने एजेंट्स को बताने के लिए कि हाँ हम यहाँ पे हैं, ये हो रहा है हमारे साथ। सारा कुछ उनको एक्सप्लेन करने से बेटर है कि अगर सारा कुछ खुद कराओ, सो इट्स गुड। हमने अपने केस में सारा कुछ खुद ही बुक किया था, हमारे केस में कोई भी एजेंट नहीं था। तो जो मैंने लिंक नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो हमने उसी से सारी बुकिंग की थी अपने आप, कोई भी एजेंट हमारे बीच में नहीं था। वो ये थी हमारी जर्नी और हमारा एक्सपीरियंस जो हमने इंडिया से टोरंटो वाया इथोपिया आपके साथ शेयर करा। और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो जिनको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, सो दे कैन ट्रैवल विदाउट एनी हैसल। और डू सब्सक्राइब अवर चैनल, विल श्योरली अपडेट यू विद मोर कैनेडियन कल्चर नाउ। सो आपको बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। वैसे हमारा क्वारंटीन फिनिश होने वाला है, सो विल श्योरली गो एंड चेक इट आउट ऑल द गुड प्लेसेस ओवर हेयर। सो स्टे कनेक्टेड, बाय, गुड लक फॉर योर ट्रैवल। या ट्रैवल सेफली।